कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर मिशन शक्ति फाउंडेशन द्वारा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जीत और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से आयोजित हुई इस मोटरसाइकिल रैली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू रमेश चंदन ने बलिदान स्तंभ से झंडी दिखाकर रैली में शामिल 8 मोटरसाइकिल सवारों को कारगिल वार मेमोरियल द्रास के लिए रवाना किया। मोटरसाइकिल रैली में शामिल सभी सदस्य 26 अगस्त को कारगिल वार मेमोरियल द्रास में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ड्रग फ्री इंडिया है, बहुत बड़ा अच्छा एम लेके बच्चियां जो चल रही है, बुलेट मोटरसाइकिल पे जा रही हैं बच्चियां हैं, और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो बड़ा एडवेंचरस इनका काम है। ये श्रीनगर जाएंगी, कश्मीर, और वहाँ से कारगिल जा रही हैं, तो इनका थीम है राइट फॉर ड्रग फ्री इंडिया। स्टेशन से पुलिस की ओर से भी ऑल एफर्ट्स होती हैं कि ड्रग से बचा जाए। पुलिस ने अपने टोल फ्री नंबर लॉन्च किए हुए हैं और पूरा उनका भी बंदोबस्त है। हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जो हमारा हमारी डिपार्टमेंट है, पूरा बंदोबस्त और पूरी निगरानी है कि ड्रग का कार्यक्रम ना हो, हमारे यंग जो बच्चे हैं ड्रग के एडिक्ट ना हो जाए, और ड्रग के जो पेडलर हैं आए दिन पकड़े जाते हैं, दे आर टेकन टू टास्क। तो ये पूरी एफर्ट्स है और ये सबकी एफर्ट होनी चाहिए, पूरे समाज की, पूरे कोऑपरेट कहना कम्युनिटी की एफर्ट होनी चाहिए कि ड्रग का जो विस्तार है, जो अंडर हैंड इसका ट्रेड चलता है, वो नहीं होना चाहिए। जिसको भी ये सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का फर्ज बनता है, जो बच्चा कहीं ड्रग लेता उसको भी पकड़ना चाहिए ताकि उससे सोर्सेस का पता चल सके। जम्मू कश्मीर की हर बेटी जो है भारत माँ के लिए अपना जीवन समर्पित करने का भावना रखती है। इस विचार के साथ कारगिल विजय दिवस मनाने हम लोग कारगिल जा रहे हैं। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक जंग जीती थी और उस जंग में हम लोग विजय हुए थे, उसी के नाम से विजय दिवस मनाया जाता है। आज एक जंग हमें लड़नी है नशे के विरुद्ध। टीम मिशन शक्ति, मैं और मेरे साथ जितनी भी बाइकर मेरी लड़कियां जा रही हैं, हम लोगों का ये मिशन है कि हम लोग राइड फॉर ड्रग फ्री इंडिया करके आज के इस मिशन के साथ हम लोग जा रहे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, एक जंग उन्होंने जीती थी, एक जंग हमें लड़नी है देश के अंदर रह के अपने घरों में, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में, अपने सराउंडिंग्स में नशे के विरुद्ध। आज ऐसा समय है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है, लड़के तो मैं क्या ही कहूँ, लड़कियाँ भी, आज के समय में लड़कियाँ भी जो हैं वो भी इस चीज़ में पीछे नहीं हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं धकेल रहे हैं। तो हमारा मिशन रहेगा लोगों को जागृत करने का कि नशा जो है वो आपकी लाइफ को एकदम बर्बाद कर देगा। जितना भी नौजवान मुझे सुन पा रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, आप मोटरसाइकिल का नशा कर लो, बहुत मज़ा आएगा आपको, आप घूमने का नशा कर लो, किसी भी चीज़ का नशा कर लो, परंतु अपनी सेहत के साथ जो भी नशे की चीज़ें आप करते हो, सिगरेट, शराब, तंबाकू, बीड़ी, चिट्टा, मुझे आधी चीज़ों के नाम भी नहीं पता, तो जो भी चीज़ें आप लेते हो, इंजेक्शन, कैप्सूल, प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहो। आप अपनी लाइफ तो बर्बाद कर रहे हो, आपके पीछे आपके माता पिता जो हैं वो भी अपने आप को कोसते होंगे कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे सामने ही तिल तिल करके मर रहे हैं, और इससे जो है देश बर्बाद हो रहा है। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, परंतु आज के समय पे भी हमें देश के अंदर रह के भी एक युद्ध लड़ना है, इन लोगों को सुधारना है, इन बच्चों को, उन बुजुर्गों को, उन महिलाओं को जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो इन चीज़ों का इन चीज़ों की तस्करी भी करते हैं काइंड ऑफ, हमें उनको भी रोकना है। बेटी जी कहाँ पर हम लोग? जम्मू से कारगिल जा रहे हैं, आज मैं निकल रही हूँ जम्मू से, मेरा फर्स्ट स्टॉप कश्मीर में होगा, स्कॉच कश्मीर में एक कार्यक्रम रखा गया है नशे के विरुद्ध ही, और कल हम लोग कश्मीर से रवाना हो जाएंगे कारगिल के लिए। बीच में जगह जगह पे हम लोग हॉल्ट करते जाएंगे, जहाँ पे भी लोग हमें मिलेंगे हमारा स्वागत करने के लिए, और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर भी है। आप मेरा फ्लैग देख सकते हो, उस पर लिखा हुआ है राइड फॉर ड्रग फ्री इंडिया। तो इस मिशन के साथ हम लोग लिटरेचर भी लोगों को बांटते हुए जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। अगर बच्चियां ये बीड़ा उठा लें, अगर ये मेरी बहनें बीड़ा उठा लें, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा भाई, मेरे पिताजी, किसी का बेटा, किसी का पति, अगर इन चीज़ों से अपना परिवार बर्बाद कर रहा है, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको अवेयर करूं और अपने जीवन का कुछ योगदान जो है वो देके इस जीवन को सार्थक बनाऊं।